जो इन 9 दिनों में जो साधना करता है, तो समग्र 9 शक्तियों का साधन करने से उसको पूर्णत्व की साधना हो, मतलब विश्व के पूर्ण स्वरूप की का साक्षात्कार उसको सिद्ध होता है। अगर 60 नवरात्र का व्रत लगातार कोई कर ले, ऐसा कहा जाता है 60 नवरात्र का व्रत लगातार कोई कर ले तो उसको पूर्णत्व की सिद्धि होती है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति त्वया स्वामिना हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौ शांतये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोतु मुनिवृंद सेवितम भावगम्यम अनिशम शिवम महा करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुरयां बगलां शक्तिं प्रणोमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भाव भरितं सानंद गीतं सतां तच्चिंता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्ध कृपालवेन जननी बोधोदयो मे अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य सांप्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। समस्त सहयोगियों को जय माई महाराज की। नवरात्र का पावन पर्व है और इस नवरात्र के पावन पर्व के ऊपर, नवरात्र के ऊपर परिचर्चा की जाए, ऐसा परामर्श अपर्णा जी ने मुझको दिया था, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। आज नवरात्र के संदर्भ में ही हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो और इसका विषय रखा गया है नवरात्र विमर्श। तो सबसे पहले यह जानना है कि नवरात्र का नामकरण कैसे हुआ। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है नवरात्र प्रदीप नाम का, जो धर्माधिकारी विनायक पंडित जी द्वारा लिखा गया है। वो काशी के धर्माधिकारी रहे हैं, मुद्गल गोत्री ब्राह्मण ऋग्वेदीय ब्राह्मण रहे हैं, और यह नवरात्र प्रदीप का कवर फोटो है जो कि चौखंबा सुर भारती प्रकाशन से प्रकाशित है। तो इस ग्रंथ में नवरात्र के संदर्भ में आद्योपांत सब कुछ बताया गया है, माने कि नवरात्र का नाम कैसे पड़ा है और यह नाम क्यों है, इसमें पूर्व पक्ष माने की जो ओपोनेंट्स क्या कहते हैं और जो सिद्धांत पक्ष माने की जो फैक्चुअली जो करेक्ट है उनका क्या मत है, वहां से शुरू करके नवरात्र में किस दिन क्या करना है, यहाँ तक कि कई बार आपने जैसे 7-8 दिन का नवरात्र हो गया, 10 दिन का नवरात्र हो गया, या बीच की कोई तिथि 2 दिन की पड़ गई, तो इस प्रकार के छोटे बड़े जितने भी विचार होते हैं तो उन अवसरों पर नवरात्र में क्या करना चाहिए। मान लीजिए कुछ दोष हो गया, कुछ दूषित हो गया, कलश वगैरह कुछ भी हो गया, या कलश में जो जौ लगी तो उसका किस प्रकार से क्या करना है, सब का सब इस प्रकार की समस्त प्रकार की व्याख्याएं इस ग्रंथ में प्राप्त होती है। तो ये अपने आप में आद्योपांत अत्यंत उपयोगी ग्रंथ है। तो इसी ग्रंथ में नवरात्र की जो वर्ण व्युत्पत्ति दी गई उसी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखिए, तो नवरात्र की जो वर्ण व्युत्पत्ति है उसको आप देखेंगे तो नवरात्र है नवानाम रात्रिनाम समाहारः, तो नवरात्रियों का जो समाहार है इसलिए इसको नवरात्र कहा जाता है। ठीक है, अब बहुत से लोग देखिए आजकल नवरात्रि कहते हैं और यह बहुत इतना प्रचलित है कि टाइप होने में और जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे भी आप देखेंगे नवरात्रि शब्द का प्रयोग बहुत अधिक होने लग गया, बहुत आयत होने लग गया है, इतना होने लग गया कि जनसामान्य को यह महसूस होता है कि इस पर्व का नाम नवरात्रि है, नवरात्र नहीं है। तो मूल रूप से इसका नाम नवरात्र है, नवरात्रि नहीं है। अच्छा, नवरात्र क्यों कहा गया, तो इसका कारण है कि रात्रि शब्द से तिथि की गणना होती है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है, नवरात्र कोई कर्म नहीं है। जैसे आपको बता दी, जैसे प्रदोष व्रत है, इस प्रकार से तमामो व्रत होते, कर्म होते, भागवत पाठ हो गया या कोई नित्य पूजा करते, पूजा एक कर्म है, पर नवरात्र कोई कर्म नहीं है। यहाँ ये कर्म का द्योतक नहीं है, यह काल का द्योतक है। माने कि नवरात्रियां, नवरात्रि पर्यंत, नवरात्र नव रात्रि पर, इसलिए नवरात्र। अच्छा, जो नवरात्रि शब्द है उसका मतलब होता है नई रात, नवरात्रि शब्द का अर्थ हो जाएगा नई रात, तो वो एक अलग वो संस्कृत के हिसाब से उसका अर्थ होता है नई रात्र, नई रात। और नवरात्र का अर्थ होता है कि नवरात्रियां, तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, अब नवरात्र ही क्यों कहा जाता है, देखिए नवाहन भी कहा जा सकता था, जैसे श्रीमद देवी भागवत का जो पारायण होता है नवाहन पारायण कहलाता है, तो माने कि 9 दिन तक चलता है वो, रामायण का भी एक नवाहन पारायण का क्रम मिलता है। तो जो नवरात्र क्यों कहते हैं, इसको नवाहन क्यों, मतलब 9 दिन, जब 9 दिन की बात हो रही तिथि पर्यंत तो 9 दिन होना चाहिए था, तो नवरात्र क्यों लिया गया, तो इसमें क्या कहा गया है कि दामर तंत्र में कहा गया तिथि तथा आरास्य नवरात्रम अपार्थकम। माने कि अब देखिए, अगर हम दिन से ले लेते तो होता है कि जैसे कई बार 10 दिन का नवरात्र हो जाता है, कई बार 8 ही दिन का नवरात्र होता है, तो तिथि घटती या बढ़ती तो अष्टाहनी अष्टान हो जाता या दशान हो जाता, लेकिन रात्रियां जिसमें नवरात्र ही नवरात्रियां ही आए, रात्रि से गणना हो, इसीलिए नवरात्र किया गया, क्योंकि नवरात्रियां इसमें रहनी चाहिए। दिन घटते बढ़ते हैं उससे कोई हमें, क्योंकि उससे
तिथि वृद्धि और तिथि ह्रास से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर रात्रियां ही रहेंगी, नौ रात्रियां होनी चाहिए, उस हिसाब से इसको नवरात्र को लिया गया है। तो इसी कारण से कहा गया, देखिए यहाँ लिखा तिथि वृद्धो तथा ह्रास नवरात्रम अपार्थकम, माने कि तिथि घटती है या तिथि बढ़ती है, अगर नवरात्र शब्द हम नहीं यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उससे जो अर्थ है उसका अनर्थ हो जाएगा। ये इस अर्थ की जो पूरी उपादेयता है, अर्थ का जो पूरा यू पूरा जो एक्चुअल मीनिंग है वो एडॉप्टेबल नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए नवरात्र में दो शब्द हैं, नौ और रात्र। अच्छा, बात यह कि नौ ही क्यों, तो आप एक चीज समझिए कि जो शक्ति साधना है, तो शक्ति साधना में नव का बड़ा महत्व है। तो त्रिपुरा महोपनिषद में कहा गया, नव योनिर नव चक्राणी नव दीधीरे नवैव योगा नव योगिनी नव योगिनींचा नवानाम चक्रे अधीनाथा स्योना नव मुद्रा नव भद्रा महीनाम, माने नव योनिया। तो श्री यंत्र में नव योनिया, माने श्री यंत्र में नौ त्रिकोण होते हैं, जैसे ऊपर और नीचे के मिलाकर के कुल नौ त्रिकोण होते हैं, चतुर्विश्री कंठे पंच भिरपि शिव युति भी। इस प्रकार से पांच जो नीचे के त्रिकोण होते हैं शक्ति त्रिकोण होते हैं, चार जो ऊपर के ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण होते हैं शिव के त्रिकोण होते हैं, तो कुल मिला के नौ त्रिकोण होते हैं श्रीयंत्र के अंतर्गत। फिर नवैव योगा, तो नव ही योग होते हैं, तो नव योग कौन कौन से, तो शाक्त संप्रदाय नव योग कहते हैं, नवांग योग होते, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि और सहज योग, तो इस प्रकार से नव योग होते हैं। फिर नव योगिनियां होती हैं, नव ही योगिनियां होती हैं यहाँ पर, ये भी कहा गया। और नवानाम चक्र अधिनाथ, और चक्रों के अधिनाथ जो स्वामी होते हैं वो भी नव होते हैं। इसके अलावा नव मुद्राएं ही दिखाई जाती हैं, और नव भद्रा महीनाम, तो ये इस प्रकार से नव। इसके अलावा भावनोपनिषद में कहा गया देवी के शरीर में नवरंध्र होते हैं, और नवरात्र में आप देखेंगे अपने आप को नव स्वरूपों में प्रकट करती हैं। तो प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे थी कूष्मांडी थी चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाती थी षष्ठम कात्यायनी थी सप्तमम कालरात्रि थी महागौरी थी चाशमम नवमम सिद्धिदात्री थी नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो नवरात्र में नव दुर्गा स्वरूप में प्रकट होती है। अच्छा, दस महाविद्या के अंतर्गत क्या होता है, दस महाविद्या में दसवीं महाविद्या जो दस क्या है, दस की गिनती एक और शून्य की समष्टि कर देने से एक ही होता है, तो वो पूर्णत्व का उसका एक अलग सिद्धांत है। लेकिन क्या है कि वो भी अगर दस महाविद्या से एक करके चलते हैं तो भी नव का क्रम है कहीं खंडित नहीं होता, क्योंकि गिनती देखिए गणना एक से नौ तक है, नव के बाद जितनी भी गणना है वो एक से नौ तक की गिनतियों का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है। तो कहने का तात्पर्य जो नाइन एनर्जीज हैं या जो नौ शक्तियां हैं, यही नौ शक्तियां आपस में भिन्न भिन्न प्रकार से मिलकर के संसार में विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्रकट करती रहती है, इन्हीं का परमुटेशन कम्बिनेशन है, और उसमें किसी का रेशियो, किसी शक्ति का रेशियो ज्यादा है, किसी रेशियो कम है, इस प्रकार से होता है। ये संसार में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होती रहती है, सब चीजों को व्याप्त करती रहती है, इस प्रकार का इनका स्वरूप होता है। तो ये चीज होती है, ठीक है। रात्रि शब्द से तिथि परत्वात, रात्रि शब्द जो है तिथि के लिए होता है, जैसे अभी बात होगी रात्रि तिथि के लिए। अच्छा देखिए, आप देखेंगे कि हमारे शिव जी का शिवरात्रि है, वैष्णव संप्रदाय में पांचरात्र चलता है, ठीक है, इसी प्रकार से शाक्त संप्रदाय में नवरात्र चलता है। तो रात्रि का इतना क्या महत्व है, जो नाइट ही क्यों, वाई नाइट ओनली, वाई नॉट डे। तो ये एक रात्रि जो रात्रि शब्द तिथि परत्वात, एक ये सामान्य बात हो गई, इसका जो आध्यात्मिक बात है उसको भी समझना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो कहते हैं कि ये उपनिषदों में भी आया है, गीता में भी इस प्रकार से आया है, और क्योंकि तंत्र मार्ग की चर्चा है तो मैंने तंत्रालोक का उदाहरण दिया है यहाँ पर। तो तंत्रालोक में कहा गया, न चार्क सोमो वह्निनां तत् प्रकाशात् बिना वह महा किमप्यस्ति निजं किंतु संविदित्थं प्रकाशते। देखिए मूल सिद्धांत यह है कि संसार में जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, जो कुछ भी आपको दृश्यमान है, वो चंद्रमा सूर्य अग्नि के प्रकाश से दृश्यमान है। तो परमेश्वर ये कहते हैं, भगवान का ये कहना है, ब्रह्म का स्वरूप कहे, चाहे शक्ति हो ब्रह्म, चाहे शिव हो, चाहे विष्णु, जिस भी स्वरूप से ले लें, तो परमेश्वर का यह कथन है, परमेश्वरी का यह कथन है कि जो मेरा लोक है, मेरे लोक को चंद्रमा सूर्य और अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं करते, मेरे लोक को प्रकाश करता है, मेरे लोक को जो प्रकाशित करता है वो मेरा अपना स्वात्म प्रकाश है। तो क्योंकि जब चंद्रमा का सूर्य का और सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं हुआ, तो अमावस्या की रात्रि हो गई, अग्नि भी ना हो अगर मान लीजिए तो धूप अंधेरा हो गया, तो मतलब किसी भी प्रकार का प्रकाश उपस्थित ना होने से वहां धूप अंधकार है। तो वो जो अंधकार है उसमें आप किस प्रकाश से प्रकाशित रहेंगे, अंधकार में भी आपके अंदर एक प्रकाश रहेगा, वो प्रकाश आपके आत्म तत्व का प्रकाश रहेगा। चारों तरफ अंधेरा फिर भी आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान रहेगा। अगर आप सिद्ध महापुरुष हैं, महापुरुषी हैं, सिद्ध महापुरुष हैं और यह सिद्ध साधिका योगिनी है, तो आपका जो प्रकाश है वो आपको आपके आत्म तत्व की अनुभूति कराएगा। लेकिन अगर आप
सामान्य रूप कोई सामान्य मनुष्य तो भी आपके अंदर ये अनुभूति सदैव रहे, भाई मैं फलाना हुआ, मैं तो यहाँ तो फंस गया, मुझे घर जाना था, ये सब काम था, इस प्रकार के मेरे उत्तरदायित्व थे, उसका निर्वहन मैं कैसे करूं अगर मुझे कुछ हो गया। तो वो आत्म तत्व तो प्रकाशित है, तो माने समस्त बाह्य प्रकाशों को निरस्त करके आत्म तत्व तो में प्रकाशित होना, वही नवरात्रि है। तो गीता में श्लोक आता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है, या निशा सर्वभूताना तेषां जागृति संयम, इस प्रकार से वह श्लोक है कि जिस रात या निशा जो सबके लिए रात है, जो सबके लिए रात है वो साधकों के लिए साधना का काल है। तो समस्त प्रकार के प्रकाश बाह्य प्रकाश जब निरस्त हो जाए और जब केवल आत्म प्रकाश जागृत रहे, तो ऐसी अवस्था जो होती है वो रात्रि की अवस्था होती है। और उसी रात्रि की जो यह अवस्था है, उसी रात्रि की अवस्था के कारण जो हमारे साधना काल में गीता हो, कठोपनिषद हो, तंत्रालोक हो, या पारंपरिक, यहाँ तक कि वैष्णव संप्रदाय में भी, अन्य संप्रदायों में भी रात्रि को साधना का सबसे उत्तम काल माना गया है, इसीलिए रात्रि को लिया जाता है, यह महत्वपूर्ण काल। अच्छा, अब नवरात्र के इतिहास में, कि नवरात्र कब से मनाया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। देखिए पौराणिक साहित्यों में भी बड़े बड़े प्रसंग, देवी श्रीमद देवी भागवत में आता है कि भगवान राम ने 9 दिन का व्रत रखा, फिर दशहरा के दिन रावण का वध किया। अच्छा, ये समीचीन भी है, इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि 9 दिन हुआ, 9 दिन पूर्ण हुए तो दशहरा हुआ। अच्छा, भगवान राम के जीवन में बड़ी देखने वाली बात है, चैत्र नवरात्र की नवमी को उनका जन्म होता है और शारदीय नवरात्र की दशमी वाले दिन उनका वो रावण का वध करते हैं। शारदीय नवरात्र की दशमी वाले दिन वो रावण का वध करते हैं, समझ रहे हैं, दशहरा होता है। तो राम का पूरा जो जीवन चरित्र है वो नवरात्रि पे बंधा है। और आपको बता दें, कृष्ण है तो हमारे 4 रात्रियां बताई, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शुद्धारण से, तो रात्रियां बहुत हैं। आप कभी कौल दर्शन पे चर्चा करें तो बताएं कि कितनी रात्रियां हैं, फिर ऐसी हमें 4 बहुत महत्वपूर्ण है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शुद्धारण। तो ये कौन कौन सी है? महाअष्टमी, जो भी अभी नवरात्रि की जो महाअष्टमी दोनों पड़ेगी वो, महाअष्टमी के उपरांत आपका जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के उपरांत आपकी होलिका और दीपावली। तो काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, शरण, ये 4 रात्रियां हैं, दीपावली, होली, जन्माष्टमी और दोनों महाअष्टमी। ये जो 4 रात्रियां हैं ये साधना के लिए अत्युत्तम है। तो कृष्ण का भी जो जन्म काल है वो भी शाक्त साधना, क्योंकि उसके अपने अलग व्याख्या है, उस पर जाकर के यहाँ पे किसी भी प्रकार का वो मुझे अभी विषयांतर नहीं करना है। तो इस प्रकार से नवरात्र उत्सव मनाने के बहुत से पुराने पुराने शास्त्रों में, उसमें सब में मिलते हैं उदाहरण, और भगवान राम के जीवन चरित्र से तो बहुत पुराना हो ये तो सिद्ध हुआ। तो देखिए उपनिषदों में, वेदों में भी नवरात्र का वर्णन मिलता है। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तांडे महाब्राह्मण है, वो इतना बड़ा है उसको महाब्राह्मण का उपाधि प्राप्त है। नवरात्रण अमृतत्वम प्रायच्छत, तो उसमें कहा गया है कि प्रजापति ने नवरात्र के बल पर देवताओं को अमृतत्व प्रदान किया, मैंने अमरत्व प्रदान किया, इस प्रकार का वहां पे प्रकरण मिलता है। आपको ये भी कह सकता है भाई ये तो वही हुआ कि कहीं एक लाइन मिल गई और उसमें एक शब्द मिल गया और शब्द को खींच के आपने अर्थ की संगति लगा दी, तो इसका क्या प्रमाण है? देखिए प्रमाण जब देना चाहिए तो प्रमाण पहले तो उसी ग्रंथ से देना चाहिए, प्रमाण देने का भी नियम है। उसमें नहीं है तो समान तंत्र से, मान लीजिए अब जैसे मैं शतपथ, अगर मान लीजिए तांडे महाब्राह्मण, तो शतपथ महाब्राह्मण में देखूं, गोपथ में देखूं, अन्य ब्राह्मण ग्रंथों में देखूं, इस प्रकार से होना चाहिए। और नहीं मिलता है तो अन्य ग्रंथों में जो समान विचारधारा के, या तो फिर अन्य शास्त्रों में प्रमाण देखना चाहिए। तो इस प्रकार, तो इसमें क्या है कि इसमें प्रमाण संहिता तांडे महाब्राह्मण में ही मिल जाता है। और वहां पे ये मिलता है कि यव्यावती नाम की नदी के ऊपर एक बार शाक्त सत्र का आयोजन किया गया। देखिए जो बहुत लंबे यज्ञ होते हैं, 2 पखवारे मतलब पखवारे भर के, मैंने 10-15 दिन से ऊपर के, इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उनको सत्र कहा जाता है। इसलिए संसद का जो सत्र चलता है, कहते हैं संसद का सत्र चल रहा है, तो 10-15 दिन से ऊपर जो भी चलेगा वो सत्र कहलाएगा, संसद का सत्र कहलाता है। एतेन वै गौरवीति शाक्तस तरस पुरुडाशो, तो उसमें उस यज्ञ के संदर्भ में कहा गया है कि उसमें तरस का पुरुडाश दिया गया। तो यज्ञों में जो आप समझ लीजिए एकदम लेमैन लैंग्वेज बोले, जनमानस की भाषा में, तो प्रसाद जो लगाया जाता है वैदिक यज्ञों में उसको पुरुडाश कहते हैं, तो पुरुडाश कपाल चढ़ाए जाते हैं। तो तरस कहते हैं मांस को, संस्कृत में तरस शब्द का अर्थ है मांस का, तो मैंने पशु बलि दे करके उसका वहां पर पुरुडाश चढ़ाए गए, ये यहाँ पर अर्थ है। और यह यज्ञ जो है 9-9 के 4 खंडों में 36 संवत्सर तक चला। देखिए ये सबको पता है कि नवरात्र 4 होते हैं,
तो उसी तरीके की बात यहाँ मिलती है कि 36 संवत्सर तक चला, तो 36 36 तो 9 4 36 हो गया, तो 9 9 के 4 खंडों में चला, एक बार 9 का चला, फिर 9 का चला, फिर 9 का चला, लगातार 9 9 के खंडों में चलता रहा। फिर इसमें कौन कौन से मंत्र पढ़ेगा ये भी लिखा गया वहां पे, जिसमें लिखा प्रथम 9 में त्रिवृत्त मंत्रों का अनुष्ठान हुआ, दूसरे में पंचदश स्तोत्रों का अनुष्ठान हुआ, तीसरे में सप्तदश का, और फिर चौथे 9 में आपका 9 संवत्सरों में आपका हुआ एक में माने 21 संवत्सरों 21 स्तोत्रों का अनुष्ठान हुआ, मतलब इस प्रकार से पाठ चले उसमें। अच्छा, संवत्सर से यूं तो सामान्य तात्पर्य लिया जाता है वर्ष का, लेकिन क्योंकि श्रौत विधान है तो श्रौत विधान का जो दर्शन है उसको मीमांसा कहा जाता है, और उसका जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है मीमांसा सूत्र जो जैमिनीय द्वारा लिखा गया है, और उसके बाद उसके ऊपर वात्सायन जो है, वात्सायन ने उसके ऊपर टीका लिखी है, वात्सायन टीका के बाद उस पर शाबर भाष्य मिलता है, कुमारिल भट्ट प्रभाकर जैसे विद्वान इस परंपरा में हुए, तो सबने इस चीजों को यथावत लिया है। और वहां पे कहते हैं, वहां पे कहते हैं मीमांसा सूत्र में कहते हैं संवत्सर से दिन का भी अर्थ लेता है, अहनी वावी संवत्वात, अहनी जो है संवत्सर का अर्थ अहनी भी होता है, दिन से भी संवत्सर का अर्थ लिया जाता है, इस चीज को समझना पड़ेगा। तो जो माने एक दिन जो है वो भी संवत्सर का ही तात्पर्य है ये, तो माने जो 9 9 संवत्सर 36 संवत्सर की जो बात चली, तो यहाँ पर जो 4 4 खंडों में 9 9 संवत्सर चले हैं, तो वहां 9 9 के 4 दिन चले, इस प्रकार से बताया गया है। तो ये जो है ये पहला, और इसको शाक्त सत्र कहा, तो यह नवरात्र का जो प्राचीनतम उदाहरण है यह प्राप्त होता है। और इसके संदर्भ में लिखा है हमारे श्री गुरुदेव ने यह पुस्तक लेख संग्रह नामक ग्रंथ है उनका, तो उस लेख संग्रह नामक ग्रंथ में इस चीज के संदर्भ में उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया है, और इसमें एक शाक्त यज्ञ करके एक आर्टिकल, उसी आर्टिकल के अंदर और भी बहुत सी बातें बताई हैं। अब देखिए ऋतुओं के अनुरूप नवरात्र किस प्रकार से होता है, तो शक्ति संगम तंत्र है, शक्ति संगम तंत्र में 4 खंड है, तो उसमें ताराखंड है यह ग्रंथ है, ताराखंड का जो 16वां अध्याय है उसमें का नवरात्रि की एक और परिभाषा मिली, जिसमें जो 9 शक्तियों से संयुक्त हो वह नवरात्र है, जहां 9 शक्तियां संयुक्त हो जाएं वह काल जो होता है नवरात्र कहलाता है। तो कितनी बड़ी बात है, शक्ति के 9 ही स्वरूप है मूल रूप से आप देखिए, क्योंकि गणना कीजिए 0 जो है शिव का अर्थ है, मांडुक्य कारिका में या अन्य जगहों पर भी आता है जो 0 है तो शिव, तो शिव की जो शक्ति अपने आप, शिव की शक्ति अपने आप 9 प्रकार से भाषित करती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 क्या करते हैं आपस में फिर मिलकर के करोड़ों अरबों तक की शून्य के साथ चिंतियां बनाती रहती है। तो वही अर्थ है कि ये जो 9 शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार से परम्यूटेशन कम्बिनेशन करके आपस में मिलती रहती हैं और विश्व को बनाती है। तो इसलिए जो इन 9 दिनों में जो साधना करता है, तो समग्र 9 शक्तियों का साधन करने से उसको पूर्णत्व की साधना हो, मतलब विश्व के पूर्ण स्वरूप की का साक्षात्कार उसको सिद्ध होता है। अगर 60 नवरात्र का व्रत लगातार कोई कर ले, ऐसा कहा जाता है 60 नवरात्र का व्रत लगातार कोई कर ले तो उसको पूर्णत्व की सिद्धि होती है। वहां पर ये कहा गया है कि नवरात्र के 2 नाम दिए, अच्छा वहां पे 4 नवरात्र का वर्णन ही 2 ही का वर्णन है, तो वहां कहा गया शयन और बोधन, तो चैत्र नवरात्र को शयन का नवरात्र कहा गया है, और जो आपका आश्विन नवरात्र जो क्वार का भी चल रहा है, जो आश्विन और शारदीय नवरात्र चल रहा है इसको बोधन नवरात्र कहा गया है। वहां पर कहा गया कि दोनों नवरात्रों का यदि विधि पूर्वक पालन किया जाए तो साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इस प्रकार का विचार वहां पर व्यक्त किया गया है। ऋतुओं के अनुरूप सो काल दंष्टा भी कहा गया, तो ये जो टाइम होता है ना आपका चैत्र नवरात्र या शारदीय नवरात्र का, ये ट्रांजिशन टाइम होता है सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी का टाइम। तो देखिए सर्दी का हो सकता है सर्दी क्योंकि ठंड का बोधन हो रहा है, शीत ऋतु का बोधन हो रहा है, और शीत ऋतु का शयन हो रहा है इसलिए हो सकता है इसलिए शयन और बोधन कहा गया हो, एक यह भी तात्पर्य हो सकता है। लेकिन इस कारण से क्योंकि यह ट्रांजिशन टाइम है सीजन का, तो इसे इस काल को काल दंष्ट्रा कहा गया है। तो यह कहा गया है कि इस काल में आचार विचार आहार इन सबको अत्यंत शुद्ध रखना चाहिए, इन सबको अत्यंत शुद्ध रखना चाहिए। इनको अगर आप अशुद्ध करते हैं, इनको अगर आप अशुद्ध करते हैं इस कालखंड में, तो अत्यंत दोष उत्पन्न होता है और आपके शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। मैं बाकी बात छोड़, आप आध्यात्मिक है नहीं है, आप देवी को मानते ना मानते अलग बात है, लेकिन इस कालखंड में इन 9 10 दिनों में अगर आप आहार विचार का अगर आप वो करते हैं
रेस्ट्रिक्शन करते हैं तो आपको आपका जो स्वास्थ्य है सांसारिक रूप से बाकी स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। ये यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है। अब देखिए ऋतुओं के अनुरूप नवरात्र में महाकाल संहिता के गुहिकाली खंड में भी वर्णन है, वहां पे लिखा है कि वसंत नवरात्र और आश्विन दो नवरात्र इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात और कही गई महाकाल संहिता के गुहिकाली खंड में उसके 13वें पटल में कि यथाच शारदीय अर्चा वसंत्यर्चा तथैव च नानयोर विद्यते वेद स्वल्पो अपि निगमादिषु आसीत पूर्वं महापूजा वसंते जगत त्रये। माने कि प्राचीन काल में तीनों लोकों में केवल वासंती का नवरात्र हुआ करता था। इस चीज को समझने वाली बात है, प्राचीन काल में केवल वासंती का नवरात्र हुआ करता था ऐसा वहां पे वर्णन मिलता है। वहां पे ये लिखा है कि शारदीय नवरात्र बाद में प्रारंभ हुआ, कब से क्या हुआ इस संदर्भ में बहुत वर्णन नहीं। हाँ हालांकि महिषासुर वध की कथा का वहां पे बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन है। और नवरात्र का तांत्रिक विधान अगर किसी समझना है तो उसे महाकाल संहिता का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बहुत विस्तार पूर्वक बहुत कुछ वहां पर कहा गया है। तो ऋतुओं के अनुरूप नवरात्र में भागवत के अंतर्गत आता है श्रीमद् देवी भागवत जो पुराण है, जो कि शक्ति संप्रदाय का प्रधानतम ग्रंथ है आप समझिए। तो उसमें चार नवरात्रों का वर्णन मिलता है। तो श्रीमद् देवी भागवत के ऊपर स्कंद पुराण में महात्म्य लिखा गया, देवी भागवत का, देवी भागवत में स्कंद पुराण का महात्म्य लिखा गया है। तो जो उसमें महात्म्य लिखा गया है वहां पर क्या कहा गया, अथवा प्रीतये देवे नवरात्र चतुष्टये श्रुणुयात् अन्य मासे अपि तिथि वारर्क्ष शोधिते। तात्पर्य क्या है कि अथवा माने वहां कोई प्रसंग चल रहा है तो उस प्रसंग के अंतर्गत ये कह दिया गया कि भाई इस ऐसा नहीं कर सकते तो प्रीति पूर्वक देवी की चार नवरात्रों में आप पूजन और अन्य मासों में भी तिथि वार और नक्षत्र का शोधन करके माने अच्छे दिन तारीख देख करके प्रयास करना, जैसी बात वहां पे आती है। इन सब का बहुत से अर्थ है तो आप उतने विस्तार में जाने का नहीं, जो सामान्य सी बात है वो कहा है। वहीं पर यह भी बताया गया है कि चार नवरात्र कब कब पड़ते हैं। तो कहते हैं चैत्रे आश्विनी तथा शाढ़े माघे कार्यो महोत्सव नवरात्रे महाराज पूजा कार्य विशेषतः। तो क्या कहा गया है कि हे महाराज चैत्र आश्विन, राजा को कथा सुना रहे हैं तो उसमें सर्प सत्र के अवसर पर यह कथा सुनाई गई, तो उसी के तो महाराज सुन रहे हैं वहां पर जन्मेजय, तो उन्हीं को यह कथा सुनाई जा रही। तो कह रहे चैत्र आश्विनी तथा शाढ़े माघे कार्यो महोत्सव, माने चैत्र में आश्विन में आषाढ़ में और माघ मास में इस महोत्सव को करना चाहिए हे महाराज पूजा कार्य विशेषता। लेकिन जो आजकल हमें जो श्रीमद् देवी भागवत की जो ऊपर वाला श्लोक तो मिलता है, लेकिन ये जो नीचे उद्धृत श्लोक है ये वर्तमान में जो देवी भागवत का संस्करण है उसमें नहीं प्राप्त होता, इसीलिए महाराज से मैंने जन्मेजय लिया। हो सकता है किसी और राजा को कोई ऋषि सुनाए होंगे, कोई संस्करण रहा होगा पाठ भेद, वो अभी हमने नहीं देखा, इसलिए देखिए इसमें श्लोक संख्या और अध्याय संख्या इत्यादि नहीं पड़ी हुई है। लेकिन ये उदाहरण मिलता है कि चैत्र आश्विन आषाढ़ और माघ मास में इस प्रकार पर्व को मनाया जाना चाहिए। देखिए कल्पानुसार नवरात्र, देखिए ये इस पे एक पुस्तक और मैंने आपको दिखाई है महापर्व नवरात्र विशेषांक, ये पुस्तक है जो मेरे पास है। और जो शाक्त साधक हैं उनके लिए तो यह ग्रंथ एकदम समझ लीजिए कि उपजीव है, जो नवरात्र की साधना करना चाहते हैं उनके लिए यह ग्रंथ जीवन स्रोत है, आप ऐसा समझ लीजिए, इससे महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं उनके लिए। तो ये जो है इस ग्रंथ में जो नव महापर्व नवरात्र विशेषांक जो लिखा हुआ है, अब आप इसको देखिए कल्पानुसार नवरात्र। तो नवरात्र में तीन कल्प होते हैं, तो कल्पानुसार नवरात्र ये सब प्रसंग उससे आया है। और बाकी के भी जो पीछे के भी बहुत से प्रसंग है, जैसे ये श्लोक वगैरह ये सब इसी ग्रंथ से मिले हैं, इससे बहुत कुछ उसको प्राप्त हुआ। मतलब ये तो और इतना कुछ इसमें दिया हुआ है कि अगर इस ग्रंथ के आधार पर चर्चा की जाए तो हो सकता है कि एक हफ्ते तक इसकी चर्चा इस विषय पे ही चर्चा चले नवरात्र का, इतना इसमें नवरात्र के संदर्भ में कहा गया है और इतनी बातें और इतने विस्तार से और इतने भेद बताए गए हैं कि मतलब यह ग्रंथ तो समादरणीय और संकलनीय है या पठनीय भी है हर उस साधक के लिए जिसको शक्ति की साधना करनी है। नवरात्र के तीन कल्प, उग्रचंडा कल्प, भद्रकाली कल्प और कात्यायनी कल्प। तो उग्रचंडा कल्प, अब ये कल्प क्या क्या है इनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो देखिए उग्र चंडा कल्प जो होता है इसमें अष्टादश भुजा यानी 18 भुजा वाली उग्र चंडा दुर्गा की साधना की जाती है, यह उत्तम कल्प माना जाता है। तो इसमें कहते हैं जब पितृपक्ष लगा रहता है तो उसकी नवमी को करवाल माने तलवार के ऊपर 32 अक्षरी मंत्र से देवी का प्रबोधन तलवार पर कर दिया जाता है, माने देवी को जागृत कर देते हैं।
और शुक्ल प्रतिपदा के दिन कलश स्थापित करके 9 दिन तक विधिवत पूजा होती है। उग्र चंडा कल्प में जो नव दुर्गा है उनके नाम भिन्न है। क्या नाम है उनके? तो उनके नाम रुद्र चंडा, प्रचंडा, चंडी, चंडनायिका, चंडा, चंडवती, चंडरूपा, आदि चंडिका और उग्र चंडिका, यह नाम है उनके। इसके बाद क्या है? भद्रकाली कल्प। तो भद्रकाली कल्प में षोडश भुजा भद्रकाली दुर्गा का आराधन है, ठीक है। इसमें माने 16 भुजा वाली भद्रकाली देवी का आराधन होता है और यह मध्यम कल्प होता है। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी पर के दिन माने जो नवरात्र से दिन पहले जो चतुर्दशी पड़ती है उस दिन प्रबोधन किया जाता है, देवी को जागृत किया जाता है और शुक्ल प्रतिपदा ने कलश स्थापित करके फिर विधिवत पूजन प्रारंभ कर देते हैं। इसमें जो है शैलपुत्री प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटी कुशमांडी चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातिथि अष्टम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो इन्हीं नव दुर्गाओं का पूजन भद्रकाली कल्प में होता है, नव दुर्गा वही है। फिर एक कात्यायनी कल्प चल। अच्छा आपको मैं बता दूं जो उग्र चंडा कल्प है ये कहाँ होता है? इसके अर्थ जो बंगाल में जैसे उड़ीसा में बंगाल में इन सब क्षेत्रों में जो विशुद्ध जो गौड़ गौड़ क्रम के अंतर्गत आते हैं, अभी आगे गौड़ क्रम वगैरह भी चर्चा करें तो गौड़ क्रम के अंतर्गत उग्र चंडा कल्प बहुत प्रभावी है, नेपाल में प्रभावी है। बृहद बड़वा नलतंत्र नाम का एक ग्रंथ है उसमें उग्र चंडा कल्प का पूरा विधान दिया हुआ है। मेरे पास भी वह विधान उपलब्ध है लेकिन केवल साधकों के लिए, तो सबको वो उपलब्ध नहीं करा सकते, दिया नहीं जा सकता। पर उग्र चंडा कल्प का विधान मेरे पास व्यक्तिगत रूप मैंने देखा हुआ है और बृहद बड़वा नलतंत्र में इसका मिलता है। इसका भद्रकाली कल्प जो होता है 9 दिन का कलश स्थापित ना सबके सामान्य रूप से घरों में चलती है, तो भद्रकाली कल्प का साधन होता रहता है। इस प्रकार से ये भद्रकाली कल्प के संदर्भ में भी यहाँ पे चर्चा हुई। फिर कात्यायनी कल्प, आपने देखा होगा दुर्गा पूजा सामान्य देखते हैं षष्ठी के दिन मूर्ति स्थापना होती है, सप्तमी अष्टमी सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन पूजन होकर के दशमी दिन विसर्जन हो जाता है, ये कात्यायनी कल्प होता है। तो कात्यायनी कल्प में दशभुजा कात्यायनी दुर्गा का आराधन करते हैं, ये तृतीय कल्प कहलाता है, तृतीय कल्प कहलाता है। प्रबोधन शुक्ल षष्ठी के दिन माने आज के दिन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं? बिल्व शाखा माने जो बेल का पेड़ होता है उसकी शाखा का के ऊपर सायंकाल प्रबोधन करके अगले दिन लाके सप्तमी दिन स्थापित करते हैं और नवमी पर्यंत पूजन करके दशमी के दिन विसर्जन कर दिया जाता है। इस प्रकार का इसमें विधान है। देखिए ये तो शाक्त विधान हो। वैष्णव मत में भी नवरात्र के संदर्भ में कुछ बातें प्राप्त होती हैं। वह क्या है? वैष्णव मत में शरद ऋतु के 9 नक्षत्रों को शारदा माता के 9 स्वरूपों को मानकर पूजन किया जाता है। तो हस्त नक्षत्र श्री देवी कहलाता है, चित्रा अमृत उद्भवा कहलाता है, स्वाति कमला कहलाता है, विशाखा चंद्र शोभिनी कहलाता है, अनुराधा विष्णु पत्नी कहलाता है, ज्येष्ठा वैष्णवी कहलाता है, मूल वरारोहा कहलाता है, पूर्वाषाढ़ा हरिवल्लभा कहलाता है और उत्तराषाढ़ा शारंगिणी कहलाता है। वहां पर यही कहा गया है कि शारंगिणी भगवान विष्णु की अभिन्न शक्ति है। शारंगिणी भगवान विष्णु की अभिन्न शक्ति है और इन्हीं के बल पे भगवान राम ने रावण का वध किया। इस प्रकार का ये वैष्णव संप्रदाय का वैष्णव संप्रदाय में इस प्रकार के चर्चाएं मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कुछ मैं चित्र दिखाना चाहूंगा। उसमें देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिख रहे होंगे आपको। तो नक्षत्रों की ग्रह गणना के ज्योति चक्र रूपा चक्र विद्या इत्यादि के आधार से हमारे विद्वानों ने नवरात्र के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना और किस प्रकार से राशियों के ऊपर कैसे प्रभाव रहता है और कैसे उत्तम काल होता है इसके अनुरूप भी 9 दिनों की व्याख्या की है। लेकिन क्या है कि अब वो बहुत विस्तृत हो जाएगा और चित्र वगैरह क्योंकि मैं बना नहीं सकता और ऐसे लेना वो कॉपीराइट का इशू, तो इसलिए उसको मैंने केवल दिखा दिया और उसको वो इतना विस्तार में जानने का मुझे लगता भी नहीं कि बहुत प्रयोजन है, तो मैंने चर्चा में डाल दिया। जिसको सुधि साधकों को होगा तो वह उसी नवरात्र नामक पुस्तक के अंतर्गत आया जो ऊपर अभी दिखाई थी, इसी पुस्तक में यह सब वर्णन प्राप्त हो जाता है। अब नवरात्र के अवसर पर आचार क्या होना चाहिए? पूजा आचार माने पूजा का विचार, पूजा किस पद्धति से पूजा हो यह आचार, और आचार विचार वो अलग, आचार विचार भाई क्या खाए पियो सब दैट इज अनदर थिंग। तो महाकाल संहिता में ही भूताली खंड में ही कहा गया है पूजा या कथितम चात्र द्वैविध्यम मुनि पुंगवई पौराणिकम तांत्रिकम चा कालिका प्रीति सिद्धये। माने पौराणिक और या तांत्रिक विधि से नवरात्र पूजन करना चाहिए, ये एक विचार है। इसके अलावा वैदिक विचार भी है, वैष्णव संप्रदाय के भी अपने नवरात्र के विचार हैं। तो मतलब लोग अपने अपने रखते हैं लेकिन क्या है कि जो शाक्त साधक है उनके लिए पौराणिक और तांत्रिक 2 विधान प्रमुख माने गए हैं। क्षेत्रानुसार नवरात्र, तो क्षेत्र के अनुसार नवरात्र, तो ये फिर महा श्री शक्ति संगम तंत्र के ताराखंड में 16वें अध्याय में
शक्ति संगम चंद्र, श्री शक्ति संगम चंद्र का जो काला तारा खंड है उसका जो 16वां अध्याय है इस ग्रंथ का, उसमें नवरात्र के संदर्भ में तंत्र विषय बहुत सी बातें कही गई हैं। तो वहां पर कहा गया है कि देखिए भारतवर्ष जो है, मैंने पिछली टॉक में भी ये चीज बता स्पीच में बोला था, भारतवर्ष तीन कालखंडों में विभाजित है। तो तीन कालखंड जो है, तीन टाइम जोन में विभाजित है। तो तीन टाइम जोन क्या है कि वो गौड़ क्रम, कश्मीर क्रम और द्रविड़ क्रम है। और जो भारतवर्ष की बात करते हैं तो भारतवर्ष इतना थोड़ी जितना आज हमारे पास है। भारतवर्ष तो ईरान से शुरू होकर के पूरा बर्मा और ये जावा सुमात्रा बाली तक पूरा भारतवर्ष ही तो है, ये सारा भारतवर्ष ही तो है। तो इतना बड़ा जो क्षेत्र हुआ तो इसको तीन टाइम जोन में उस जमाने में ऋषियों ने डिवाइड किया। अब तंत्रालोक में आचार्य विनयगुप्त यहां तक बताते हैं और उससे पुराने पुराणों में भी इस चीज को प्राप्ति होती है, इस तथ्य की प्राप्ति होती है कि जब भारत में सुबह होगी तो उस देश में रात होगी, उस देश में रात होगी तो भारत में दोपहर होगी, यहाँ पे भी होगा वहां, इस प्रकार से मतलब डिफरेंट टाइम जोन्स में जब यहाँ होगा तो वहां क्या होगा, रेस्पेक्टिवली सब लिखा हुआ है कि आदमी एसेस कर ले कि अगर कोई मान लीजिए उस देश में गया है तो वहां इस समय क्या समय हो रहा होगा। इतनी गणना उस जमाने में हो चुकी है, इतनी गणना हो चुकी है। और भारत को तीन टाइम जोन में डिवाइड किया। तो टाइम जोन क्या है, नवरात्र व्रता सक्तो नवनाथो भवे ध्रुवम, जो नवरात्र का व्रत करे वो निश्चित रूप से नवनाथ स्वरूप हो जाएगा। गौड़ काश्मीर द्रविण मार्गेण त्रिविधम भवेत, तो गौड़ काश्मीर द्रविण मार्ग से तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले गौड़ क्रम क्या होता है, तो नेपाल, कामरूप देश, बिहार पूरा मिथिला और उड़ीसा और बंगाल, यह सारा क्षेत्र गौड़ क्रम के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो पूजा पद्धति सब होगी, भूटान आ गया, सिक्किम भी आ गया इसी में फिर, तो ये सारा जो है ये सब गौड़ क्रम के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी पद्धति गौड़ क्रम से होगी, तो उसमें क्या है ना, पूजा के लिए कलश रखने की विधि अलग होती है, उसमें रखने की पोजीशन अलग होती है, सब ना कुछ विनियोग वगैरह जो करते हैं, विनियोग वगैरह में अलग अलग, जैसे कोई कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थ होता है, कहीं पीताये सिद्ध्यर्थ पीताये विनियोगा जपे विनियोगा होता है ना, इस प्रकार से अलग अलग। तो ये क्षेत्र के क्रम के अनुरूप ये सब अलग अलग होता है। फिर काश्मीर क्रम, तो उससे पहले द्रविड़ क्रम समझना चाहिए। तो कश्मीर को और गौड़ क्रम को छोड़ करके जितना भी भारत है सब द्रविड़ क्रम में आता है। माने मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, यहाँ केरल क्रम है, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, यहाँ जो भी साधना करेगा सब आपकी द्रविड़ क्रम से है। जो द्रविड़ के नाम पे जो लड़ाई चलती है हमारे देश में कि द्रविड़ है और हम अलग, भैया द्रविड़ का ही क्रम पूरे देश में चल रहा है। उत्तर भारतीयों ने कुछ नहीं थोपा है, हम तो उल्टा उत्तर भारत से कि कहते वो उत्तर भारत में सब वो आ रहे आए यहाँ, हम तो मूल नहीं, भैया द्रविड़ क्रम से ही उत्तर पूरे पूरे भारतवर्ष में पूजन चल रहा है हमारे। हम पूरा हम खुद साउथ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये उन लोगों को उत्तर है जो ये कहते हैं, जो उत्तर और क्या कहते हैं दक्षिण में द्रविड़ और आर्य की लड़ाई करवाते हैं, तो इन्हें समझना द्रविड़ माने द्रविड़ क्षेत्र का नाम है। अब गुर्जर है तो गुर्जर क्षेत्र का नाम है, गुजरात तो, और या उत्तर प्रदेश तो क्षेत्र का नाम है। द्रविड़ कोई वर्ण जाति समूह नहीं है, व्यक्ति समूह नहीं है, द्रविड़ क्षेत्र का नाम है। तो ये चीज है, ये तथ्य है। फिर कश्मीर, तो जितने क्षेत्रों को आपको बताया इन सब को छोड़ करके जो बचता है वो सब कश्मीर क्रम में जाता है। तिब्बत हो गया, कश्मीर हो गया, आपका है अफगानिस्तान हो गया, और जहां जहां पे भी, इसमें एक चीज कही जाती है, जहां पे वर्णाश्रम व्यवस्था वर्तमान है, जिन क्षेत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था से जीने वाले सनातनी है उसी क्षेत्र में हमारे सिद्धांत लागू होंगे। तो मतलब उस जमाने में जब ये सब रहा होगा, उस जमाने में तो सनातन धर्म ही था। तो भाई रूस वूस तक भी खुदाई हुई है, तुर्कमेनिस्तान राजधानी अशखाबाद में खुदाई हुई, तो वहां पर आपको मैं बताऊं वो निकला अश्वमेध, तो अश्व की बलि किया हुआ और रासुई यज्ञ का रथ निकले और अश्व निकले वहां पर यज्ञ कुंड में, अश्व की आहुति की अश्व निकले वहां पर यज्ञ कुंड में, तो वहां तक अश्वमेध होता था। तो इतना बड़ा भारत रहा। तो ये समझ लीजिए ये एशियाई जम्बू द्वीप, भरत खंडे आर्यावर्त देश है, तो भरत खंड ही बहुत बड़ा, जम्बू द्वीप माने तो एशिया, उसके अंदर ही आर्यावर्त देश है। तो बहुत बड़े क्षेत्र में ये सब व्याप्त रहा, ये सब व्यवस्था रही है। तो वो बाकी जितना क्षेत्र सब कश्मीर क्रम के अंतर्गत। नवरात्र में देखिए विशेष साधना क्या होती है इस संदर्भ में, तो प्रबोधन, तो देवता का प्रबोधन क्या है संदर्भ में, कलश स्थापन। तो कलश स्थापन में तो आप कलश देखिए, कलश क्या है, देखिए कलश क्या है, देखिए अब देखिए, संतान की माँ के गर्भ में 9 महीना रहती है।
अब बाकी सब तो आप कह सकते हो भाई नौ श्री यंत्र में नौ आपने अपने आप से मान लिया, नौ योगिनियां भी मान ली होंगी, योग के नौ अंग भी अपने आप से मान लिए, सब मान लिए। लेकिन एक सामान्य मनुष्य 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही एक ऐसी है, 84 लाख योनियों में देवताओं की सन्यासी सबकी योनियां आती, देवता दानव यक्ष गंधर्व किन्नर सब 84 लाख योनि में आते हैं। लेकिन एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी जहां आप कर्म कर सकते हैं और कर्म से अपना उत्थान कर सकते हैं, अन्य योनियों में यह सुअवसर प्राप्त नहीं होता। आप मर के देवता बन गए तो कर्म विपाक होगा, फिर आप किसी अच्छे मनुष्य कुल में आपका जन्म होगा, फिर अच्छे कर्म कीजिए फिर देवलोक जाइए, इस प्रकार की बात। तो जो प्रबोधन है देवता का, वो तो कलश जो है, कलश उसी का देवता का है और उस कलश की स्थापना की जाती है। फिर नित्य पूजा, तो नित्य पूजा का तो भाई कलश स्थापित, नित्य पूजा में क्या होता, नित्य पूजा में नित्य सप्तशती का देवी भागवत का पाठ होना चाहिए 9 दिन तक। तो सब नौ देवी भागवत तो नवान पारायण होता, तो 9 दिन में उसका पाठ पूर्ण हो जाए, इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ विशेष पूजा भी नवरात्र बहुत से लोग करते, तांत्रिक साधक लोग, तो वो एक अलग चर्चा का विषय है। उसके बाद है हवन। तो जो हवन है नवरात्र में, हवन या तो आप किसी आचार्य को बुलवा कराइए, और अगर आपको मंत्र दीक्षा इत्यादि है तो आप स्वतः हवन आप कर सकते हैं, उसमें कोई किसी भी प्रकार का नहीं। कुमारी पूजा पे आगे चर्चा करें, व्रत तो नवरात्र में सब कुछ कर सबको ही करता है। इसके अलावा आजकल कुछ और भी चला है, जैसे संगीत संध्या होती तो महिलाएं मोहल्ले के मंदिर में बैठ गई, 8-10 महिलाएं, उन्होंने संगीत गीत इत्यादि का कार्यक्रम रखा है और गीत संगीत करती हैं, इस प्रकार का भी। एक कड़ाही पूजा चलती है यहाँ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, उसमें क्या होता है हलवा बना करके कड़ाही चढ़ाई जाती है, ये यहाँ पे बहुत मतलब ग्रामीण अंचलों में यह बहुत प्रचलित है। अब एक चीज आते क्या है कि जैसे अब ये सब जो उग्रचंडा ये सब क्या है लोग करते हैं, लेकिन कात्यायनी कल्प जो दुर्गा पूजा कर रहे हैं उसमें कितनों पता हो कात्यायनी कल्प से पूजा हो रही, क्योंकि शास्त्र में और समाज में बहुत दूरियां हो गई है, शास्त्र और समाज में इतनी दूरियां हो गई हैं कि वो पाठ भरा नहीं जा सकता, शास्त्र समाज में इतनी दूरियां हो गई कि वो पाठ भरा ही नहीं जा सकता। तो अब वो चीज क्या है, लेकिन क्या है कि परंपराएं जीवित हैं। तो और कई चीजें नहीं है, जगराते का आजकल बड़ा फैशन चल गया, तो भाई वो क्या है फिल्मी तर्जों पे गाने गाते हैं, जबकि देखिए जागरण अलग चीज रही। जागरण का नियम रात्रि में चक्रार्चन के तो निशा भेदन करते थे लोग, करते हैं आज भी लोग करते हैं, तो करने वाले करते हैं बहुत, कितने करते हैं उससे मतलब नहीं, करने वाले कर रहे हैं। तो निशा भेदन के अंतर्गत क्या होता है कि रात्रि पर्यंत आप जप करते हैं मंत्र का, तो निशा भेदन वो मूल जागरण मंत्र जाप करें। तो आप क्या फिर उसको भजन में लिया गया, फिर भजन के बाद वो डीजे लग गया, फिर फिल्मी गानों के तर्ज पे और फिल्मी गानों की पैरोडी बना करके उसके भजन बना करके उससे भी आजकल चल रहा है, तो भाई ठीक है लोग कर रहे हैं, अब उसमें क्या कह सकते हैं। अब कुमारी पूजा के संदर्भ में हम यहाँ थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुमारी पूजा बड़ी विशिष्ट पूजा है, मैं आपको बता दूं कुमारी का पहले तात्पर्य, कुमारी क्यों कहते हैं, तो शिव सूत्र में कहा था इच्छा शक्तिर उमा कुमारी, जो उमा देवी है वो स्वयं कुमारी है, उमा देवी स्वयं कुमारी है। तो वहां पर क्या कहा गया है कि जो इच्छा शक्ति उमा कुमारी है, और यामल शास्त्र में कहा गया कुमारियों तीन स्वरूप से परा अपरा और परा अपरा, और इस कारण से वो आद्या शक्ति भी है। और महाकाल संहिता में मैं बता दूं कुमारी पूजा तो आपको सैकड़ों श्लोकों में इतने विस्तार पूर्वक दी गई है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो इसमें क्या कहा गया है कि देखिए कुमारी पूजा के संदर्भ में यह कहा गया है कि इसमें समस्त जो चारों वर्णों की जो कन्याएं हैं उनका पूजन इसमें हो सकता है। तो कुमारी पूजन में किसी भी प्रकार की का ऐसा कोई विधान नहीं बताया गया वर्ण विशेष का। देखिए शक्ति और तंत्र साधना के बड़ा वैशिष्ट है, शक्ति और तंत्र साधना में क्या नियम होता है कि आप का जाति संप्रदाय इत्यादि का यहाँ पर कोई भेद नहीं है। कुलारण और तंत्र भगवान शिव ने खुद ही कहा नामे प्रिय चतुर्वेदाम, चारों वेदों का विद्वान हो लेकिन मुझे भक्ति नहीं तो मुझे वो प्रिय नहीं है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं कुलारण और तंत्र के अंतर्गत, इस प्रकार की बातें आती। लेकिन अगर वो मान ली अंत्य वर्ण का है, तो अंत्य वर्ण क्या होता है, अंत्य वर्ण का मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण की कन्या अगर शूद्र के पुत्र से विवाह करती है तो उनकी जो संतान होती है अंत्य कहलाती है, वो चांडाल होते हैं, तो शूद्र के भी नीचे आता है अंत्य वर्ण कहलाता है। तो वो कहते हैं अगर अंत्य भी हो लेकिन अगर मेरा भक्त है तो उसको उसको साधना दीक्षा का अधिकार, और यहाँ तक कहा गया कि अंत्य वर्ण सिद्ध हो जाए तो सबका यह कर्तव्य है कि उस कौल साधक को सब नमस्कार करें। यहाँ पर वर्णाश्रम भेद की इस प्रकार की कोई बात नहीं है, तंत्र मार्ग सबके लिए है,
ये सब के लिए ओपन है, और ये शुरू से ओपन है, ऐसा नहीं कि आज खोल दिया गया। आप देखेंगे गोरखनाथ की गद्दी है, वहां पे बाबा किनाराम की गद्दी है, वहां आसिनी जमाने से चारों वर्गों के बाबा किनाराम की गद्दी में, तो मतलब आप समझिए कि शूद्र तक वहां पर पीठाधीश्वर गोरखनाथ मठ में हुए, और यहां तक कि मुस्लिम भी वहां पर हुए, अभी आगे भी ये बात आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी भी प्रकार का वर्ण इत्यादि का भेद नहीं है। तो इसमें देखिए ये कहा गया है कि 1 से 16 वर्ष तक की कन्याएं प्रशस्त मानी जाती हैं, और हर कन्या का एक बताया गया मतलब कि किस वर्ष की कन्या क्या कहते हैं। तो 1 वर्ष की कन्या से संध्या कहलाती है, 2 वर्ष की सरस्वती, 3 वर्ष की कन्या को त्रिधा मूर्ति कहते हैं, 4 वर्ष की कन्या को कालिका कहते हैं, 5 वर्ष की कन्या को सुभगा कहते हैं, 6 वर्ष की कन्या को उमा कहते हैं, 7 वर्ष की कन्या को मालिनी कहते हैं, 8 वर्ष की कन्या को कुब्जिका कहते हैं, 9 वर्ष कन्या को काल संघर्षा कहते हैं, 10 वर्ष की कन्या को अपराजिता कहते हैं, 11 वर्ष कन्या को रुद्राणी कहते हैं, 12 वर्ष कन्या को भैरवी कहते हैं, 13 वर्ष कन्या को महालक्ष्मी कहते हैं, 14 वर्ष कन्या को कुलनायिका कहते हैं, 15 वर्ष कन्या को क्षेत्रतमा कहते हैं, और 16 वर्ष की कन्या को चंडिका कहते हैं। तो इस प्रकार से हर वर्ष की कन्या का यहाँ पर भिन्न प्रकार से वर्णन है। कुमारी कहा कि आप पूजा करें तो प्रयास 7 से 9 वर्ष की कन्या के लिए थोड़ा सुदबुद होनी चाहिए, क्या हो रहा है, पूजन हो रहा है, इत्यादि बातें हैं। और उनमें जो सबसे सुंदर होती है उसको मुख्य कुमारी बनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, जब कुमारी का पूजन करते हैं तो इसका पूरा पूजा का विधान है। सबसे पहले भूतापसारण करते हैं, जब कुमारी जब कक्ष में प्रवेश करती है उनका हाथ पकड़ के कक्ष लाया जाता है, पूजा कक्ष में कक्ष बंद होना चाहिए, वो खुला नहीं होना चाहिए, और वहां क्या उपदेवता पूजा का पुण्य हरण करने का प्रयास करने के लिए पहले से उपस्थित होते हैं, आने की कोशिश करते हैं, तो भूतापसारण करते हैं, उनको हटाने का अनुष्ठान होता है, दिग्बंधन किया जाता है, ये सब करने के उपरांत फिर कुमारी पूजन प्रारंभ होता है। तो मुख्य कुमारी का पूजन करते हैं, उनके ऊपर 18 कुमारियों का न्यास किया जाता है, फिर 9 देवी स्वरूप में उनका पूजन का, वो 9 देवियां है, सुधा, कालिका, ललिता, मालिनी, वसुंधरा, सरस्वती, रमा, गौरी और दुर्गा। उसके उपरांत 8 देवियों का पूजन होता है, वो है महामाया, कालरात्रि, सर्वमंगला, दमरूक, राजराजेश्वरी, संपत प्रदा, भगवती और कुमारी। इसके बाद 16 उनकी परिचारिकाओं का पूजन होता है, जिनमें जिनके मतलब प्रमुख नाम अनंग, कुसुमा, मनमथा, मदना, कुसुमातुरा, मदनातुरा, शिशिरा, ये सब इस प्रकार से कुमारियों की उनके सब वर्णन होते हैं। और जब मुख्य कुमारी का पूजन करने के बाद फिर अन्य कुमारियों का पूजन किया जाता है। और महाकाल संहिता में यह भी बताया गया है कि कुमारी प्रवेश कर रही हैं तो उनका किस प्रकार का रुख है, उनका मतलब हाव भाव क्या, मतलब उनकी उनकी गतिविधियां क्या, हाव भाव नहीं कहना चाहिए, गतिविधियां क्या है, और पात्र से पहना उठा के क्या खाती है, इन सब चीजों से साधक का वर्षफल भी निर्धारित होता है। तो कुमारी पूजन संदर्भ में कहा गया है कि इसको जो बहुत लोग बड़े उस तरीके से करते फैनफेयर साथ, इसमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कुमारी पूजा में। कुमारी पूजा में अगर जरा सी भी त्रुटि होती है तो वर्ष फल आपका खराब हो जाता है, पूरे वर्ष संकट में रहता है। तो कुमारी पूजन में विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए, और नहीं तो आप एक ही कुमारी करिए, एक ही दिन करिए, और व्यक्तिगत रूप से मैं करूं ना करिए, लेकिन इसमें जो गाना बजाना इस प्रकार का ये सब जो करते हैं बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत सावधानी, क्योंकि ये बहुत उग्र पूजन है। इसमें प्रमादवश जरा सी भी त्रुटि हो गई तो वर्ष पर्यंत इसमें मतलब होता है। ये शास्त्रोक्त बात बता रहा हूँ, विधान है, क्योंकि आप देखिए ये क्योंकि पूजा है देवी का, कुमारी देवी का, कुमारी सबसे प्रमुख स्वरूप है देवी का। चिदानंद इच्छा ज्ञान क्रिया 5 प्रकार से भगवती भास्ते, तो इच्छा शक्ति जो है वो सर्वाधिक जागृत स्वरूपों में से एक है, तो उनका स्वरूप उमा कुमारी है। तो कुमारी पूजा में बहुत सावधानी पूर्वक, मान लीजिए ठीक है वाद्य इत्यादि बजाना चाहिए तो उसका थोड़ा सा व्यवस्था, लेकिन जो मुख्य पूजा कर रहा है, जैसे जो आप पूजा कर रही हैं अगर, तो आप बहुत भाव शुद्ध करके मन में जो भी कुमारी, जैसे कुछ नहीं तो जय माँ दुर्गा ही जपते रहिए, लेकिन मन से जप करके और प्रेम पूर्वक पूजा करना चाहिए। और सबसे बड़ी देखिए, अगर मान लीजिए त्रुटि ना होने का, कोई पूछे त्रुटि ना हो इसका क्या प्रयास करें, तो त्रुटि ना होने सबसे बड़ा समाधान यही कि मन में भगवती के प्रति प्रेम रखिए। अगर प्रेम पूर्वक करें तो कोई त्रुटि होती तो वो भी कट जाती है। तो इस प्रकार का भाव है। नवरात्र के विशेष पालनी नियम तो ये सब चर्चा हो चुकी, फिर वही बात महाकाल संहिता में आगे, होमो जपा कुमारी आचार, माने होम करिए, जप करिए, कुमारी पूजन करिए, साधकों का भोजन कराइए, उपोषण वाले व्रत करिए, मौन का नवरात्र विशेष पालन होना चाहिए, ये प्रभुत्व फल माने बहुत जागृत फल प्राप्ति के लिए करना चाहिए। इसके उपरांत नवरात्र का व्रत कौन करे संदर्भ में चर्चा करते, नवरात्र प्रदीप में कहा गया स्नातय प्रमुदितय हृष्टय ब्राह्मण क्षत्रिय विषय
शूद्रैर भक्ति युतैर म्लेच्छैर अन्यैश्च भूमि मानवै माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की म्लेच्छ भी और अंत में माने कोई भी स्त्री भी शुक्र कोई भी मानव है कोई भी है कोई भी है जो भी जीवित है उसको ये स्त्री की साधना शक्ति की साधना करनी चाहिए। पुरुषार्दूल तद विधानम इदम सुनिए किसी ग्रंथ का उदाहरण वहां पर आए नवरात्र में माने कि संसार में हर कोई मनुष्य इस व्रत को कर सकता है। जो आपने भद्रकाली और जो नवरात्र होते हैं उसमें दिन के अलग अलग प्रहर में भी अलग अलग देवी की पूजा होती है ना, अष्टयाम पूजन बताया गया है तो आठ प्रहर पूजन होता है। वो मैंने बहुत प्रकार की पद्धतियां है, नाना प्रकार की पद्धतियां है, तो अष्टयाम पूजन तो आठों प्रहर में आठ प्रकार से वहां पे पूजन होता है, ये भी एक विधान मिलता है। सुबह सरस्वती की, दोपहर में भद्रकाली की, शाम को बंदुर्गा की, ऐसे कुछ भी होता है? हाँ मैडम, अब इसमें जैसे आपको बता दिए जो मैंने तीन कल बताए ना, उग्रचंडा भद्रकाली और कात्यायनी, तो उग्रचंडा महालक्ष्मी स्वरूपा मानी जाती है। अब नाम से लग रहा उग्र भी है चंडा भी है लेकिन महालक्ष्मी है, भद्रकाली महाकाली है और महासरस्वती कात्यायनी स्वरूपा होती है। तो क्या है मैडम, इसमें बहुत भेद है और बहुत सारा विस्तार है इसमें। मुझे एक बार एक कोई साधु मिले थे कहीं पे उत्तराखंड में, और वो ऐसे अपने स्वयं ही साधक थे, कुछ मुझे उनका कोई आश्रम वगैरह तो नहीं था लेकिन देवी के उपासक थे, और उन्होंने कहा कि मैं ज्वालामुखी में था और फिर पता नहीं कहाँ जम्मू में था, लेकिन मैंने ये पाया है अपने इतने वर्षों में, अपने इतने वर्षों की साधना में, कि महागौरी सबसे हाईएस्ट है जिनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ टिप्पणी मैडम, ये हर साधक अपना अपना देखने का भाव, मातृ तृप्ते ही देव से तत्तत्र वपुशलम, मतलब एक ही शक्ति है अपने आप को भिन्न भिन्न रूप में भाषित करती है। जैसे कैलाश पर्वत है, उदाहरण फिर दूंगा वही, यही उदाहरण मेरा फेवरेट था। कैलाश पर्वत कोई नॉर्दर्न रिज से देख रहा है, कोई सदर्न से देख रहा है, कोई विदिशाओं से यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न से भी देख रहा है, तो देख तो कैलाश ही रहा है। तो समस्त स्वरूप है जिसका जैसा भाव है। अब जैसे जो सप्तशती से ही साधन करते हैं उनके लिए महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रधान है, दस महाविद्याओं के उपासकों के लिए दस महाविद्या साधन होता है, और तो ये साधक उसमें भी लोगों का अपना होता है, भाई मैं इनकी साधना करता हूँ यही प्रधान। तो ये अपना देखने को मूल रूप से जो शक्तियां है समस्त शक्ति एक ही है, और शक्ति का इतना वृहद स्वरूप है कि आप अगर कह दो कि मैंने पूर्ण साक्षात्कार कर लिया तो संभव नहीं है। अब जैसे अब एक उदाहरण और लीजिए, मान लीजिए रूम है, अब आपने कहा भाई रूम टच करो, तो मैंने वॉल को टच किया तो रूम टच हो गया। अब जरूरी है मैं सीलिंग को, फ्लोर को या उस वॉल को टच करूं, तो उन साधक ने निश्चित रूप से महागौरी वाली वॉल को टच किया होगा, तो यह अनुभूति है। मैंने दूसरी वॉल को टच किया, मेरी दूसरी अनुभूति है, लेकिन मुद्दे की बात है सबने टच रूम को ही किया है और रूम शक्ति है। राम ने भी शक्ति साधना की थी जी, बिल्कुल की थी। देवी पुराण मैंने बताया ग्रंथ है, देवी पुराण में भगवान राम की पूर्ण कथा आती है, देवी राम उसमें तो उसको देवी रामायण स्वतंत्र प्रकाशित भी है, वो ग्रंथ अंग्रेजी अनुवाद साथ चौखंबा से प्रकाशित है, और उसमें पूरा बताया गया किस प्रकार से भगवान राम ने शक्ति की साधना की। तो उसमें ये बताया गया कि, और रामेश्वरम में मैं बताना चाहूंगा, रामेश्वरम में एक दुर्गा जी का मंदिर जहाँ पे उन्होंने देवी की पूजा की, एक चित्र भी मिलता है भगवान राम को जिसमें भगवान राम को देवी धनुष और बाण प्रदान कर रही है, तो रामेश्वरम में वो मंदिर प्राप्त होता है जहाँ भगवान राम, और मैंने अभी अपनी इसमें भी बताया था कि भगवान राम ने देवी भागवत का मैंने उदाहरण दिया था कि देवी भागवत में यह प्रसंग मिलता है कि भगवान राम ने देवी की नवरात्र में पूजा की। तो जब ये हम इतिहास पे चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक उदाहरण ये दिया, तो भाई देवी भागवत में था भगवान राम ने देवी की नवरात्र में पूजा की थी और उसी के बल से रावण का वध किया। तो ये जी सर, मैंने शायद स्पष्ट रूप से सुना नहीं तो मेरा डाउट था कि आपने कहा कि एक साल में चार बार नवरात्र होते हैं जी, तो 36 दिन हो गए, लेकिन शायद आपने कहा था कि 60 दिन की नवरात्र रखने से बहुत बेनिफिशियल। 60 नवरात्र रखने से, 60 माने 30 साल तक नवरात्र करें लगातार शारदीय और वासंतिक, है ना, तो 60 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, वो नवरात्र का पारायण माना जाता है। बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि नवरात्र में क्या, देखिए जैसे हमारे ब्राह्मणों में क्या होता है, नवरात्र में यज्ञोपवीत होता है, तो अगर घर में मंडप गढ़ जाता है तो नियम ही होता है कि व्रत नहीं रह सकते, खंडित हो जाता है लोगों का, क्योंकि हम लोग देखिए ब्राह्मण में ये नियम है कि वासंतिक नवरात्र में ही यज्ञोपवीत होना चाहिए, तो जब मंडप गढ़ जाता है और तो घर में फिर व्रत नहीं रहा जाता, ये नियम होता है, मतलब क्योंकि उत्सव है तो व्रत में तपस्या है, तो उत्सव में तपस्या नहीं की जाती, इस भाव से है। तो बहुत
हम लोग होते भाग्यशाली लोग होते पूरा कर पाते। 30 वर्ष तक लगातार वासंती को शारदीय नवरात्र जो करे तो पारायण पूर्ण होता है और नवरात्र का पूर्णत्व तो होता है। सर ये काश हमें किसी ने पहले बताया होता, हम हमारी तो अब उम्र निकल गई, 30 साल बचे ही नहीं, लेकिन काश ही पहले किसी ने बताया होता। एक सज्जन है कुछ प्रांतों में, एक मिनट रुकिए, अमन जी ने एक प्रश्न पूछा है, कुछ प्रांतों में अष्टमी को पूजन करना क्या? जी हाँ, अष्टमी पूजन शास्त्रोक्त है, ये नवरात्र प्रदीप इत्यादि ग्रंथों में भी यह तथ्य प्राप्त होता है कि अष्टमी के दिन भी कई लोग पूजा करके नवमी के दिन पारायण करते हैं, तो इस प्रकार का क्रम शास्त्रों में मिलता है। कृष्ण से पहले देवी की, देवकी की जो पुत्री हुई थी वो फिर बिजली बन गई थी, और उनका शायद एर्नाकुलम या कहीं पे साउथ में ऐसा मंदिर है, और वो दुर्गा की ही वो मानी जाती हैं। कुछ कहेंगे इसके बारे में? श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आया है, मैं आपको बता दूं। देखिए जो शाक्त संप्रदाय में जो सर्वमान्य है उसको मैं बता दूं आपको, इसके 12वें अध्याय में देवी ने स्वयं जो कहा है, इसमें वो कहती है कि 12वें 11वें अध्याय में एक वर्णन आता है कि मैं विंध्याचल पे जाकर के नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभव तथस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ये 11वें अध्याय में जब देवता लोग देवी की स्तुति कर लेते हैं तो देवी कहती है कि वरदाहम सुरगणा वरम यन मनसि छदा तम वृद्धम प्रयच्छामि जगताम उपकारकम। देवी उसी जगत का उपकार करने के तुम क्या वरदान चाहते हो? तो देवता कहते हैं, ये बहुत बड़ा मंत्र है, देवता कहते हैं सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयाकार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। तो माने कि आपका यही कार्य है, हमारे वैरियों का विनाश आप करती रहे, तो आंतरिक और बाह्य प्रकार के वैरियों का विनाश होता है, इस प्रकार की यहाँ पे बात आती है। तो वो कहती है नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी, तो शुंभ और नंद गोप गृह में मैं जन्म लूंगी और उक्त दोनों असुरों का मैं विनाश करूंगी, यानी शुंभ और निशुंभ का मैं विनाश करूंगी। तो यहाँ पर ये कहा है कि जो बहन हुई थी उनकी वो विंध्याचल है, तो हम लोग इसी भाव से विंध्याचल जी को देखते हैं। और फिर देखिए विभिन्न कल्पों में विभिन्न प्रकार की कथाएं प्राप्त होती हैं, तो इसीलिए देवताओं के बहुत से स्थान मिलते हैं। और वो तो हुई द्वापर युग में, और ये पता नहीं कब का कहा गया है इसमें। मैडम इसीलिए बताया ना कि कल्पांत असल में, मैडम इस प्रकार से जब देवी के, आपको मैं बता दूं इसको, थोड़ा कहानी कथा समझने वाली है। अब जैसे मैं राम जी का बता दूं, राम जी हर चौथे कल्प में स्वयं अवतार लेते हैं, या समझिए पहले में लेंगे, दूसरे में ना राम अवतार लेंगे ना कोई अवतार लेगा, तीसरे में केवल भरत शत्रुघ्न इस प्रकार से अवतार होता है, फिर तीसरे में खुद आते, फिर चौथे में अवतार नहीं होता, उनके भाई अनुज, फिर मतलब गैप कर करके है, ऐसी ये कथा मिलती है। उसके बाद आपको एक चीज और बता दें, 71 मनवंतर का आपका एक कल्प होता है, 71 मनवंतर का कल्प होता है, और इस समय जो हमारी पृथ्वी मध्य कल्प चल रहा है, जो ये कल्प चल मध्य श्वेत वाराह कल्प का मध्य का मनवंतर चल रहा है, वी आर इन द मिड ऑफ श्वेत वाराह कल्प। तो है क्या कि इस पृथ्वी पर ही 71 बार मनुष्य जाति आएगी और जाएगी, और 71वीं बार जब चली जाएगी तो कल्पांत तो होगा, तब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। साइंटिफिकली भी कहते हैं पृथ्वी अपनी आधी आयु पूरी कर चुकी है, और इतनी पुरानी करोड़ों अरबों साल पुरानी पृथ्वी, कितनी बार मनुष्य जाति आई, फॉसिल भी रहे होंगे तो भूसा बन गए होंगे, वो मिट्टी बन गए होंगे। पृथ्वी के प्रारंभ में आज से 10 अरब पता नहीं 5 अरब कितने जो भी हो, मुझे उसे गणना याद नहीं है, उतना पर तो वो फॉसिल भी नहीं होंगे उनके, कितनी 30 बार शास्त्र कहते हैं 30-32 बार तो अब तक मानव सभ्यता बन के बिगड़ चुकी है। तो होता क्या है कि भगवती के जो स्थान है जागृत कल्पांत, तो कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं कल्पांत के उपरांत भी वो विराजमान रहते हैं, जैसे काशी के संदर्भ में कहते हैं काश्याम ही काशते काशी काशी सर्व प्रकाशिका या काशी विद्यान तेन प्राप्त ही काशिका, माने काश्याम ही काशते काशी, काशी को काशी ही प्रकाशित कर रही है, और काशी सर्व प्रकाशिका काशी से सब प्रकाशित हो रहा है, या काशी विदितायन जो इस काशी को जान गया तेन प्राप्त ही काशिका, वही काशी को प्राप्त किया, तो कल्पांत में भी काशी रहेगी, प्रलय होने के बाद भी मानव सभ्यता नष्ट होगी तब भी काशी रहेगी, ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र रहते हैं। तो नंद गोप घर में जन्म लिया, इस कल्प में नहीं, इस मनवंतर में नहीं, तो अगले मनवंतर में शुभ निशुभ का वध करेगी, इस प्रकार से यहाँ पे काल की गणना है। इसीलिए कहा जाता है मैडम, शास्त्रों में भी कहा है, वेद शास्त्र में कहा गया पौराणिक साहित्यों का अध्ययन बड़ा आवश्यक होता है। असल में हमारे यहाँ क्या हो गया, समस्या ये हो गई ना, जैसे कोई तांत्रिक है जो तंत्र के ग्रंथ पढ़ रहा है, जबकि सब कुछ जुड़ा सब खिचड़ी है ये, इसमें आप जैसे खिचड़ी में कोई खाने बैठे तो कह दे कि जी हम तो मानते दाल ही है और बाकी सब बेकार है,
कहते हैं चावल ही है, कहते हैं मैं मसाला ही मानता हूँ, मसाला ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है भैया, सब मिलके खिचड़ी बनी है, कोई एक कुछ नहीं है ना, इस प्रकार की बात वहां पर है। गुप्त नवरात्रि के बारे में कुछ पूछना था कि जैसे जो गुप्त नवरात्रि में कहते हैं कि साधना रात के समय होना उचित है, तो वो मुझे पूछना था कि वो सच है कि गलत है। और दूसरी चीज, एक भ्रम होती है काफी लोगों में, एटलीस्ट जो मेरे आसपास है, कि गुप्त नवरात्रि जो होता है उसमें जो कौल तंत्र के प्रचारक है वो ज्यादा मनाते हैं, ना कि बाकी जो सम्याचार और मिश्रकूट के। तो ये चीज की क्लैरिफिकेशन आपसे पूछनी थी, थैंक यू। देखिए ऐसा है, नवरात्रि गुप्त है, सबसे पहले तो देखिए नाम ही नवरात्र है, तो चाहे गुप्त नवरात्र हो चाहे कोई भी नवरात्र हो, जैसे मैंने उसमें शुरुआत में अपनी प्रेजेंटेशन में हटा दी, अगर आप जब वीडियो आए तो दोबारा देख सकते हैं, इसका नाम ही रात्रि से है, तो साधना का काल रात्रि काल ही है, तो जो भजन निशा भेदन ये सब इत्यादि रात्रि काल का है। बाकी देखिए, अब मैं आप जैसे समयाचार की बात दे दूं, तो समयाचार में क्या अमावस्या की पूजा नहीं होती, ठीक बात है ना, समयाचार में अमावस्या पूजा नहीं होती, लेकिन प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तो पूजा एकदम प्रारंभ होते होते पूर्णिमा तक पूर्ण पे पहुंचती है, तो ये समयाचार का विधान है। तो आप गुप्त नवरात्रि रहे या ना रहे, समयाचारी को तो रात्रि में तुरीय संध्या में तो पूजा करना ही करना है, तो गुप्त नवरात्रि में भी करना है, क्योंकि जो समयाचारी है उसको नित्य रात्रि में जो हमारे समयाचार ग्रंथ भावन उपनिषद चित विलास इत्यादि शास्त्रों में जो पूजन पद्धति बताई गई है उसको तो करना ही करना है, बाकी रहे या ना रहे। तो इस प्रकार की बातों में जाने का नहीं है। मिश्र संप्रदाय की बात कर ले तो मिश्र कौल कौन होते, मिश्र कौल होते भाई जो जिसमें अनुकल्पों का प्रयोग करते हैं, यंत्र पे पूजा करते हैं, तो यंत्र पूजन रात्रि में ही प्रशस्त माना गया है, तो अब वो नवरात्र रहे या ना रहे रात्रि में पूजन करना है, तो इस प्रकार का कोई यहाँ पर शास्त्रों में तो ऐसा कोई भेद नहीं मिलता। और गुप्त नवरात्रि का मैंने तांत्रिक ग्रंथों में इतना वर्णन नहीं देखा, देवी भागवत में वर्णन मिलता है, तो उस प्रकार से तो कहते हैं तांत्रिक नहीं पौराणिक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा। मुझे ये भी पूछना था कि जैसे जो नवरात्रि की साधना होती है, पूजन नहीं, जो साधना मंत्र जप वगैरह होता है, क्या वो उचित समय ब्रह्म मुहूर्त होता है करने के लिए, या क्योंकि आपने अभी जैसे कहा था कि रात्रि का समय ज्यादा उचित है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जाता है कि नहीं? देखिए अब इस पे मैं स्पष्ट बता दूं आपको, ये गुरु परंपरा के अनुकूल होता है, जिसकी जैसी गुरु परंपरा होती है उस हिसाब से पूजन होता है। मैंने आपको क्या यहाँ पे जो कुछ भी बोला स्टैंडर्ड बात बोली है जो शास्त्रोक्त है विधान है, और ऐसी बात नहीं है कई कही है, जैसे अपने गुरु परंपरा के अनुरूप भी जो कहा है वो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कहा है, बात के शास्त्रोक्त बताइए, तो आपकी गुरु परंपरा में अगर ब्रह्म मुहूर्त क्रम है या रात्रि क्रम है उसके अनुरूप करना चाहिए। बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में, खासकर तिब्बतन बुद्धिज्म में जहाँ पे और भी गॉड्स और देवी देवता है, वहां पे तारा मानी जाती है बहुत हाई, ग्रीन तारा और व्हाइट तारा, और हमारे यहाँ पे भी नॉर्थ इंडिया में जब हम जगराता करते हैं तो सुबह एक तारा देवी की कथा आती है, उसमें मुझे कुछ बताएंगे तारा क्या स्वरूप है, क्या है? मैडम तारा काली ही है, काली का ही एक स्वरूप है, और तारा क्या है, तारा जो है, तारा के हाथ बस एक अंतर ही है काली तारा में, तो उनके हाथ में कैंची है, मानव बंधन काट देती है, श्मशान में रहती है, आदमी श्मशान में पहुंचा, अब जी उस समय भाई जो मरा है वो तो दुखी तो होगा ही, संसारी काल सबसे ज्यादा वही दुखी होगा भाई, अब अभी मैं मरा तो नहीं हूं लेकिन मैं मरने वाला मैं भी हूँ, तो मैं इस चीज को महसूस कर सकता हूँ कि दुखी बहुत होगा जब आदमी मरेगा, तो क्या करती है जो तारा के उपासक होते हैं तत्काल बंधन काट देती है, तो हाथ में उनके कैची होती है, तो वो जो वो काली का ही स्वरूप है, ऐसे छिन्नमस्ता की भी बौद्ध धर्म में, अब उस तरीके से अविलोकितेश्वर है, लोग कहते हैं तारा और छिन्नमस्ता को कहते हैं कि बौद्ध धर्म की देवी, अविलोकितेश्वर क्या ब्रह्मा और विष्णु के ज्वाइंट है, और वो कहते हैं सबसे बड़े बोधिसत्व है, ज्वाइंट अवतार बताया जाता है जी। तो अब हम कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु भी बौद्ध है, इस प्रकार ऐसे नहीं, साधना इन्हीं की है और यही पे इनका इनका मतलब यही भाव है यहाँ पर। मुझे ये शायद ऑफ टॉपिक है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट आजकल क्या होता है कि जो श्री विद्या साधना है उसके काफी प्रचारक हो गए, काफी एंशियंट साधना था और उसको उसमें नवरात्रि की काफी मान्यता है, तो मुझे पूछना था कि इसके जो पौराणिक समय में जिक्र हुई थी या ये उसके बाद, मतलब मो मॉडर्न वेरिएशन है, अगर आप श्री विद्या का, श्री विद्या साधना का इतिहास पूछ रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। देखिए तो देखिए उपनिषदों में वेदों में पराशक्ति का वर्णन मिलता है जो षोडशी कही जाती है, इस संदर्भ में मैंने एक अलग लेक्चर दिया है, आप
गिरी रत्न मिश्रा ललिता साधना करके शायद यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। अभी मेरा मोबाइल है, मैं तो आपको नाम बता भी देता हूँ उसका, क्या मैंने बोला है। इसमें एंटीक्विटी जो है इसकी, शिव विद्या साधना की जो जो प्राचीन परंपरा उसी पे बोला है। उपनिषद में पराशक्ति का मांडुक्य है और यहाँ तक बृहदारण्यक जो प्राचीन से प्राचीन उपनिषद है उनमें वर्णन था, और दहर विद्या का वर्णन मिलता है। जो आप दहर विद्या देखिए उसमें कहा जाता है ना, समयाचार हृदय में या ब्रह्मरंध्र में देवी की ब्रह्म पुंडरीक वेश में, तो ब्रह्म ये उपनिषद उपनिषद ही वाक्य है। तो ब्रह्मरंध्र में देवी की साधना की जाती है और हृदय में साधना की जाती है, इस प्रकार की बातें मिलती है। ये सब औपनिषदिक विचारधारा ही है तो, और ये साधना भी उसी काल की, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मंत्र है या पद्धति, थोड़ा बहुत अंतर अब आ गया। अब आज के जमाने में एसी लगा के बैठे हैं, पुराने लाइट जलती है तब नहीं होता था, बहुत सी चीजों का अंतर आ गया। हम चकमक पत्थर से ना अग्नि जलाते थे, आज माचिस से जल रही है। तो देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो होता है चीजें परिवर्तित होती रहती हैं। ऐसे विधानों में भी बहुत से परिवर्तन आते हैं। पहले भाई शेर की खाल में बैठने, आज शेर की खाल लेने जाएंगे तो जेल हो जाएगी, तो हम लोग सिंपल खाल सिंपल आसन पे ही बैठते हैं। ये सब परिवर्तन होते रहते हैं, तो कुछ परिवर्तन हुए अवश्य, लेकिन साधना अति प्राचीन। एक और मैंने पढ़ा था कि बीज मंत्र काली का और कृष्ण का सेम ही होता है। ठीक बात है मैडम, शास्त्र ये कहते हैं कृष्ण जो है काली का अवतार है। और हमारे गुरुजी का प्रसंग सुना एक बार, उनके वैष्णव एक भक्त थे, उम्र काफी हो गई, तो कहे हमको मंत्र क्या, मंत्र क्या करोगे, 60 के बाद मंत्र नहीं देते। आजकल एक फैशन चला है रिटायर होकर मंत्र लेते हैं, 60 के बाद मंत्र का कोई प्रयोजन नहीं होता। मंत्र भाई यंग एज में ही लेना चाहिए, इनफैक्ट 25-30 साल की उम्र मंत्र ले लेना चाहिए, साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए, तभी आपको कोई असर दिखाई देगा। तो वो कहे नहीं मैं आपकी फोटो लगा गुरु मानता हूँ, कुछ जप लिया करूंगा। तो उन्होंने आंख बंद करके देवी से पूछा होगा, तो कहा ठीक है तुम नवरात्र चला था अष्टमी की महाअष्टमी में आना, तो तुमको मैं मंत्र बताऊंगा। ऐसी बातें हुई। तो उसके उपरांत जो है जब वो वहां पर आए तो कहा भाई मैं वैष्णव हूँ तो मुझे कोई वैष्णव मंत्र दीजिए। तो महाराज गुरुदेव ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि सीता राम के नाम में तारा रही समाए, तो सीता राम में सी और माँ हटा दीजिए तारा आता है। और तो अब ये नहीं बताया मंत्र क्या दिया, लेकिन बात और तारा की साधना इतनी एकदम विपरीत वैष्णव है। तारा में तो पूर्ण पंचमकार का प्रयोग होता है, विशुद्ध पंचमकार का प्रयोग होता है, वहां तो मतलब अनुकल्प की बात ही नहीं है, भोग भी इस प्रकार का लगता है। थोड़ा सा इसका विश्लेषण थोड़ा डिटेल में बताएंगे पंचमकार का। मैडम ये मध्य मास मैथुन और मीन और मुद्रा, ये 5 चीजें होती, तो जैसा नाम है यथावत उनका प्रयोग होता तारा साधना। तो अब क्या है कि अन्य में जैसे अभी श्रीमान जी पूछ रहे थे, मयंक जी थे, मिश्र, तो मिश्र में क्या होता है कि इसका अनुकल्प चलता है। तो मध्य की जगह शहद चलता है, मांस की जगह अदरक चलता है, ऐसे ऐसे अलग अलग मतलब वर्ण वर्ण के अनुरूप अलग अलग सब विकल्प बताए गए हैं शास्त्र में, लेकिन तारा में यथावत सब चलता है। बंगाल में आप जाएंगे यथावत सब आपको करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो चीज है, और वो कहते तारा राम की अवतार है, राम तारा के अवतार है। इनफैक्ट मुंडमाला तंत्र में इसका उदाहरण है, फिर पुरुषचर्याणों में ये प्रसंग आता है, और वहां पे तारा और दश महाविद्या दशावतार का संबंध बताया गया कि कौन सी, जैसे पीतांबरा के लिए कहा गया कूर्मावतार है, इस प्रकार से बहुत संबंध बताए गए हैं। सबका मुझे अभी वर्तमान में याद नहीं है सब, लेकिन ऐसे सबके मिलते हैं। मेरा प्रश्न था दशावतार को लेके और माँ तारा और आलोकितेश्वर को लेके। इसमें अभी जो मॉडर्न नैरेटिव ये चल रहा है कि ये बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ है, हालांकि ये भी नैरेटिव चल रहा है कि दशावतार में जहां बलराम का स्थान है उसमें बुद्ध है, बुद्ध इज वन ऑफ द दशावतार्स। तो मुझे ये पूछना था कि जो तारा देवी है, जैसे आजकल काफी तारा देवी के काफी स्वरूप है, जैसे ग्रीन तारा रेड तारा, आप मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स को देखे तो उसपे काफी चर्चा चल रही है। तो मैं ये पूछना चाहता था कि क्या बौद्ध परंपरा से जुड़ा है जो सनातन ने उसे इंकॉर्पोरेट किया है, या इसकी जो हायरार्की है वो बौद्ध परंपरा के पहले आती है टाइमलाइन के हिसाब से। थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर सकती हूँ कि तिब्बतन बुद्धिज्म में, ये बौद्ध परंपरा बुद्ध वाली में नहीं है जो इंडिया में है, तिब्बतन बुद्धिज्म में बहुत सारे ये डेटीज मिलेंगे आपको, तारा तंत्र की प्रैक्टिस, शक्ति की प्रैक्टिस। वो यहाँ पे अतिशाह गए थे यहाँ से, बहुत सारे बुद्ध मास्टर्स ऐसे हुए हैं जो इंडिया से गए थे, या उनको बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था वहां पे। मैं आपको बताना चाहूंगा जो भागवत में देखिए वैष्णव सबसे प्रामाणिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण,
तो उसमें जो बुद्ध काकटीय बुद्ध कहे गए हैं और वो ब्राह्मण कुल के थे। जो बुद्ध महात्मा बुद्ध हैं, पहले तो ये बता दूं महात्मा बुद्ध स्वयं बौद्ध नहीं थे। आप त्रिपिटक को भी पढ़ेंगे तो त्रिपिटक में उन्होंने देखिए जो उस कालखंड में जो चीजें गलत थी उनकी निंदा की है, वो तो तंत्रालोक में अभिनवगुप्त ने भी की है। तो इसका मतलब थोड़ी अभिनवगुप्त हिंदू नहीं है, शिव की स्तुति कर रहे हैं, विष्णु की गीता का भाष्य लिख रहे हैं, तो भाई है तो हिंदू। जो गलत है, और देखिए महापुरुष वही है या महायोगिनी वही है जो अपने धर्म में भी सुधार के लिए मुखर होके कह सके, बोल सके। शंकराचार्य के समय में मन्नारी करके पूजा हुआ करती थी, उस पूजा में क्या होता था, कुत्ते को माला पहना कुत्ते की पूजा होती थी। तो उन्होंने कहा यार ये क्या बंद कर, ऐसे बहुत सी उन्होंने प्रथाओं को बंद कराया अपने जमाने में। तो अब क्या है कि तो ये जो बुद्ध रहे और महात्मा बुद्ध जिनकी बात होती, ये भी कोई ये बौद्ध नहीं थे, ये मूल हिंदू। ये तो 100 वर्ष पश्चात द्वितीय बौद्ध संगीति जब कालाशोक के समय में हुई है तब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, और उसमें भी वहां पे विभाजन हो गया तो थेर अलग हो गए। थेर वो थे जो स्थिर थे माने जो, और बाकी ने कहा भाई कुछ सुधार होना चाहिए, बुद्ध के नियम बड़े कठिन है। तो वो बाद में महायान वाले कहलाए, महायान से ही वज्रयान निकला जो कि ये तिब्बतन बुद्धिज्म जो आज के जमाने में जाना जाता है। तो जो थेर थे वो थेरवाद जो श्रीलंका में चले गए, जब हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रांता आए हैं, आपको मैं बड़ी आप ये चीज सोचिए, नालंदा से लेकर के विक्रमशिला और तक्षशिला सब जगह बौद्ध विद्या का खूब प्रचार प्रसार था। तो अचानक से बौद्ध चले कहाँ गए, ये सब देश छोड़ के चले गए इनके आचार्य, यहाँ डटे रहे ब्राह्मण। उन्होंने अपने भी शास्त्रों को बचाया, बौद्ध शास्त्रों को भी बचाया। गोपीनाथ तिवारी जब ये संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय बना है तो अंग्रेज थे वहां के, तो उन्होंने सब काशी के ब्राह्मणों से कहा मैन्युस्क्रिप्ट दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया ये तो आ गया, ये पता चला दूसरा वो आ जाए, क्या नाम था उसका जिसने नालंदा जलाई थी, खिलजी, बख्तियार खिलजी जो भी शायद यही नाम था, हाँ जी धन्यवाद। तो उन्होंने कहा ये दूसरे, तो उन्होंने गोपीनाथ कविराज को आगे किया। तो कविराज जी के आह्वान पर वहां 200,000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं, 200,000 पांडुलिपियां। नालंदा में कितनी थी मैं नहीं जानता, लेकिन संपूर्णानंद में आज भी 200,000 मैन्युस्क्रिप्ट हैं। घरों में बचाया, घरों में पढ़ाया, और केवल हिंदू दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाए, स्थापत्य लो, संगीत लो, आयुर्वेद लो, ज्योतिष लो, वेद लो, षट दर्शन लो, तंत्र लो, इतनी अनंत धारा अजस्त्र धाराएं हैं कि कहने की ही कोई बात नहीं। और बौद्ध जैन दर्शन को भी पढ़ाया। आप संपूर्णानंद वगैरह की वेबसाइट खोल के देखिए, आज भी जो पुराने प्रोफेसर है सब मिश्रा तिवारी पांडे मिलेंगे वहां पे। एक इस रिलेटेड टॉक संगम टॉक्स में भी एक टॉक है कॉनराड एल्स्ट की, हाँ कि बुद्धा वाज एवरी इंच हिंदू, बिल्कुल। और हाँ वाकई, बिकॉज जब बुद्ध चलते फिरते थे, लोगों से प्रश्न उत्तर करते थे, तब बौद्ध धर्म कुछ नहीं था, तब वो बस प्रश्न उत्तर थे। वैसे ही जब जीसस थे तब तक क्रिश्चियनिटी इतना नहीं था, है ना, ही वाज जस्ट आंसरिंग क्वेश्चंस। महात्मा बुद्ध तो उन्होंने क्या उपनिषदिक धर्म का पालन किया, फिर उपनिषदों में जो बात कही गई और बहुत से उपनिषद, अब जैसे ईशावास उपनिषद है वो शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, और यह स्थापित है कम से कम 3000 साल पुराना है, यानी उपनिषद था। बृहदारण्यक का शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण बुद्ध से भी 500-600 साल पुराना है। याज्ञवल्क्य का, याज्ञवल्क्य का वर्णन तो महाभारत की कथा मिलता है, जब महाभोज ब्रह्म भोज कराया तो उसमें याज्ञवल्क्य आए थे, तो 5000 साल पुराने चले गए, उनका शतपथ ब्राह्मण लिखा हुआ है। तो उसमें उसमें बृहदारण्यक आता है, छांदोग उपनिषद जो वो आता है, केन उपनिषद तावलकर शाखा का ब्राह्मण उससे निकला हुआ है। तो ये सारे प्राचीन उपनिषदों में जो बात रही, उनके समय में असल में बलिया वो जो यज्ञ बड़े बड़े बहुत होते थे, तो उसमें मितव्ययता को, और बुद्ध ने कहा भाई युद्ध मत करो। बुद्ध ने अहिंसा की कोई बात नहीं कही, बुद्ध की तो स्वयं जो उनका निर्वाण हुआ, जो उनका शरीर छूटा है, उन्होंने क्या कहते हैं अशुद्ध मांस खा लिया, वो खराब मतलब सड़ा मांस खाया, तो इसलिए हुआ है, तो क्या है कोई अहिंसा वाली बात, वो तो युद्ध में अहिंसा की बात करते थे और विशुद्ध। और उन्होंने बार बार उनके त्रिपिटक में बार बार स्थानों पर मिलता है। अच्छा अगर आप ये कहें कि वर्णाश्रम, तो भाई हिंदू सत्यकाम जाबाल से लेकर के तमामों वर्णन यहाँ पे भी मिलते हैं, भाई ऐसे ऐसे हुए, जो सिद्ध हुआ वो सिद्ध हो गया, इसको स्थान मिला। ये तो रूढ़िता बहुत बाद में आ गई हमारे समाज में, जब विभिन्न संप्रदाय बहुत खड़े हो गए तो हिंदू धर्म को बचाने के लिए रूढ़ी आ गई कि भाई जो जिस जात का बस उसी में अटका रहे, और आदमी भी करप्ट होता है, हम भी करप्ट हुए, है ना, तो इस चीज से नुकसान हुआ। लेकिन
सिद्धांत सारे यही के हैं उनके। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि काफी जो जैसे आपने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया और एक्सप्लेनेशन दी, जैसे आप विकिपीडिया पे जाओ, ऑनलाइन जाओ, और मैंने काफी प्रसिद्ध पॉडकास्ट भी देखे ऑफ लेट जो इसी भ्रम में, जो आपने दूर किया, खैर जो बुद्ध का सवाल था वर्सेस बलराम इंद्र दशावतार, और जैसे हमारी जो देवियां आलोकितेश्वर और तारा जैसे अपर्णा जी का सवाल था, तो इस बारे में काफी भ्रम चल रहा है और एक तरीके से कल्चरल अप्रोप्रिएशन चल रहा है कि भाई आपके हिंदुओं की तो थी नहीं, सनातन की तो थी नहीं, ये बौद्ध परंपरा से आई है। तो बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर इस विषय पे एक टॉक हो तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो, मतलब एज फॉर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि काफी डिसइन्फॉर्मेशन चल रहा है। हाँ जी, इससे ज्यादा चल रहा है आजकल तो ये चल रहा है हठयोग बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में आया है। अमृत सिद्धि ग्रंथ को लेकर तो मुझसे किसी ने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म लिखने कहा तो मैंने उसे पूरे पॉइंट्स बताए कि अमृत सिद्धि कार के एक गुरु बौद्ध होंगे वो एक अलग बात है, उसमें जो परमार्थ की प्राप्ति है वो शिवलोक की प्राप्ति है, स्वागताचार्य की वहां पे स्तुति नहीं है। ये नहीं कहे स्वागता मतलब ठीक है वहां, ये नहीं, क्योंकि बौद्ध शास्त्र में कहता है स्वागत की गति प्राप्त होगी, स्वागताचार्य की गति प्राप्त होगी, लेकिन उसमें शिवलोक की बात होती है, देवी की बात होती है, देवी लोकों की बात होती है, परमार्थ हिंदू धर्म। अब उनके दो गुरु, उनमें से एक गुरु बौद्ध है, तो 10 बातों को निरस्त करके केवल एक बात के आधार पर कि एक गुरु बौद्ध थे, तो बौद्ध धर्म के थे और बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म में पूरा हठयोग आ गया बताती है। अरे भाई आप हड़प्पा संस्कृति की आप एक लेके हमारी पुस्तकालय में हठयोग रत्नावली, ये चित्र देखिए, ये पशुपति मुद्रा कही जाती है, इसमें जो योगी बैठे हुए हैं ये सिद्धासन लगा के बैठे हैं, हड़प्पा काल की मुद्रा है ये योगी। और ऊपर आप देखिए ऊपर क्या है, ऊपर मछली बनी हुई है और ये ज़िगज़ैग बना हुआ जो स्पाइनल कॉर्ड जैसा है मछली, इसे आज भी कुंडलिनी का प्रतीक माना जाता है। जो पंचमकार मीन है ना, मीन कुंडलिनी के, तो प्राणवायु रुक करके मछली को माने, मछली को सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर चढ़ाओ प्राणवायु। और भी तमामों इस प्रकार के इसमें चित्र जो बने हुए, सबसे पहले पुरुष बना हुआ है जो चल रहा है और ज़िगज़ैग है, और फिर एक नाद और बिंदु बना हुआ है, इसमें कर्व बना है, इसमें डॉट बना, नाद और बिंदु कहते हैं, उसके बाद फिश बनी हुई है। और ये जो योगी है इनके चारों तरफ पशु खड़े हैं और ये पशुपति है, और ये सिद्धासन लगा गया, सिद्धासन जो होता है कुंडलिनी जागरण के लिए लगाया जाता है, सिवनी के ऊपर उसमें एड़ी से दबाया जाता है बाएं पैर की मूलाधार चक्र को, और स्वाधिष्ठान को दूसरे पैर से दबाए की एड़ी से दबाया जाता है। तो जब दबाते हैं तो कुंडलिनी का जागरण होता है। अब ये तो जब लिखा गया, ये तो जब मुद्रा बनी होगी ना बुद्ध पैदा हुए होंगे, हो सकता है पता नहीं कौन कौन नहीं रहा होगा, यास को पाणिनि सबसे बहुत पुराना है ये तो। अब वो कहते लेकिन हठयोग बौद्ध धर्म से आए, तो भाई हठयोग तो पद्मासन में बुद्ध बैठते थे, पद्मासन और सिद्धासन ही हठयोग के मेन आसन है, तो ये फिर 10वीं शताब्दी के ये वज्रयान का कहां से हो गया।